Good morning, students. Today's topic is the feathers. So let us start with the basic and go through the each and every term of the topic. So first question arises, what are the feathers? So these are defined as the unique integumentary derivatives or the characteristics of the words. इसको हम बोल सकते हैं कि पहले तो these are the unique integumentary derivative, इसका मतलब है ये इंटैगमेंट से डेराइव किया गया है. अब इंटैगमेंट होती क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन है कि इंटैगमेंट होती क्या है. तो इसका इंटैगमेंट होती है आउटर जो हमारी स्किन जिससे बॉडी हमारी कवर होती है उसको बोलते हैं इंटैगमेंट. तो जो इंटैगमेंट होती है वो टू लेयर्स में डिवाइड होती है, डर्मिस और एपिडर्मिस. जो अपर वाली होगी वो उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, और उसके नीचे वाली होगी उसको बोलेंगे क्या, ये होगी एपिडर्मिस, और इसके जो लोअर वाली होगी उसको बोलेंगे डर्मिस. तो हमारे ये क्या करती है, ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है बॉडी का हमारे का, जो हमारी स्किन हमारी बॉडी को जो है आउटर जो एक्सोस्केलेटन बोल सकते हैं, जो हमारी बॉडी को कवर करके रखता है. तो उसके जो डेरिवेटिव है मतलब कि उससे क्या है मॉडिफिकेशन होके कुछ और चीज़ बन गई, तो उसको बोलेंगे इंटैगमेंट्री डेरिवेटिव. तो एक ये क्या है, एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो कि वर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द वर्ड्स. And this it is the integumentary derivative structure which is the characteristic feature of the bird. और इसको हम दूसरी डेफिनेशन में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइट इलास्टिक एंड वाटर प्रूफ इंटैगमेंट्री डेरिवेटिव इन बर्ड्स इज कॉल्ड द फीदर्स. ओके, सो स्ट्रांग हो गया, लाइट हो गया, ये क्या आ गए, फीदर के कैरेक्टर आ गए. स्ट्रांग होता है, लाइट होता है, लाइट इन वेट होता है, और इलास्टिक भी होता है, इलास्टिक और एंड वाटर प्रूफ भी, फिदर हमारा वाटर प्रूफ होता है. ठीक है, जो कि क्या है इंटैगमेंट्री डेरिवेटिव, जो आपको ऊपर बता दिया. पर ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बर्ड्स का. इसके बाद हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फिदर. हम फिदर के पार्ट्स को पढ़ेंगे और उनके बारे में डायग्राम की हेल्प से क्या करेंगे, उसके पार्ट को डिफाइन करेंगे और उनको डिस्क्राइब करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे फिदर्स का स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले आ गया हमारा सेंटर वाला पार्ट, इसको बोलेंगे हम रैकिस या फिर बोलेंगे शाफ्ट. और उसके बाद आगे हमारा बैब बोलेंगे. इसके जो जो वैक्सिलम होता है या वेन होता है उसके जो इकट्ठे एक बैब जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको बोलेंगे आउटर बैब है. इनर बैब हो गया इंटीरियर पोस्टीरियर हाफ, जो बाहर की तरफ होगा उसको बोलेंगे आउटर वाला. ऐसे बर्ड्स में अरेंजमेंट क्या होगा फिदर का, कुछ इस तरह होगा ना, एक पार्ट अंदर की तरफ होगा जिसके ऊपर दूसरा ओवरलैप किया होगा फिदर, और एक बाहर की तरफ होगा. आउटर वाला बैब हो गया जो बाहर की तरफ होगा, इनर वाला हो गया अंदर जो होगा या पोस्टीरियर, और ये इंटीरियर आ गया. ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया जो ध्यान रखना है, अब ध्यान से सुनना, जो कि हमारा रैकिस है उसमें क्या होता है, एक ट्रांसलूसेंट पार्ट होता है, ये वाला ट्रांसलूसेंट पार्ट जहाँ पे क्या है जो बाफ्स है या बैक्सिलम है वो एबसेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम क्विल और कैलमस फीदर. और इसकी वजह से ही इसको क्या बोलते हैं, क्विल फीदर भी बोलते हैं इसको हम. ठीक है, और उसके बाद हमारा आ गया जो हमारा ये स्ट्रक्चर आ गया ना, जैसे बैब इसको बोलते हैं बैब या बेन. ठीक है, तो जो बेन होता है जिसके इंडिविजिबल जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है हमारा बाफ्स है, वो इसका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है. एक को बोलेंगे जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एक को बोलेंगे हम बाफ्स. तो बाफ्स के जो एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, हुकलेट्स बियर करता है, इनके बीच एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, ऐसे हुकलेट्स होती हैं इसके बीच, जो क्या करता है जो टू जो बाफ्स होती हैं उनको क्या करता है एक जॉइन करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है. तो कुछ में क्या होती है बाफ्स बहुत कम होती है, तो उसमें क्या होता है फिदर एक डेफिनेट स्ट्रक्चर या डेफिनेट शेप में नहीं होता, जैसे कि ये हम आगे पढ़ेंगे फिदर के टाइप, तो उसमें बताएंगे हम. और इसका फंक्शन क्या होता है, इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करना. उसके बाद आगे हमारा लोअर मोस्ट ओपनिंग होती है, ये आगे लोअर मोस्ट ओपनिंग जो होती है फिदर की उसको बोलते हैं इन्फीरियर अम्बिलिकस. एंड अब ध्यान से सुनना, ये कंसेप्चुअल है कि जो भी द जंक्शन इन बिटवीन द रैकिस एंड द क्विल आर कैलमिस, उसको क्या बोलते हैं सुपीरियर अम्बिलिकस. मतलब कि जो जंक्शन है रैकिस और क्विल के बीच में, जो क्या क्विल क्या था ट्रांसलूसेंट पार्ट था जो कि विच हैव डिवाइड ऑफ द वेन और वैक्सिलम. ठीक है, तो उसके बीच जो जंक्शन होता है उसको बोलेंगे सुपीरियर अम्बिलिकस.
एक वर्ड है हाइपोरैकिस, अपटर शाफ्ट एंड अपटर फीदर, ये आ गया हमारा हाइपोरैकिस, अपटर शाफ्ट और अपटर फीदर, ये एक ही वर्ड है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ये क्या होता है कि कुछ में क्या होता है, जो हमारा सुपीरियर अम्बिलिकस होता है, तो उसके जो अम्बिलिकस होता है, सुपीरियर अम्बिलिकस विच इज़ द जंक्शन ऑफ द रैकिस एंड द क्विल, जो जंक्शन होता है उधर से क्या होता है, एक और क्या होता है स्मॉल फीदर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक डिवेल्प हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, जो उसका रैकिस होगा उसको बोलेंगे हाइपोरैकिस और अपटर रैकिस या फिर अपटर शाफ्ट, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज मत करना दूसरे फीदर के साथ, कि कुछ बर्ड में क्या होता है, एक और फीदर क्या होता है इधर ग्रो कर जाता है, जैसे इधर दिया एक और फीदर ग्रो कर गया, उसको बोलेंगे अपटर शाफ्ट और हाइपोरैकिस, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये थोड़े से की पॉइंट्स हैं, इनको स्क्रीनशॉट कर लो और याद कर लेना, बस आपको फिर फीदर के लिए कोई नहीं वो भूल नहीं सकता कभी। और स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ फीदर्स, टाइप्स ऑफ फीदर पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि आप को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा पूरा टॉपिक, और अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो शेयर करना मत भूलना मेरे भाई। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।